चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो आज का टॉपिक है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर सारा का सारा चीज़ें अटकी हुई हैं। कौन सा टैक्स लगेगा? आपको पता है ना कि टैक्स कैसे कैसे लगता है जीएसटी में? सीजीएसटी, एसजीएसटी और हेलो ऑनलाइन वाले बच्चे, हाँ जी यूटी एसजीएसटी का ये दूसरा पार्ट यूटी जीएसटी है ना, और आईजीएसटी, ये टैक्स के कंपोनेंट है। अगर किसी से टैक्स कलेक्ट करना है तो ये तीन हेड है जहाँ पे हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो टैक्स कलेक्ट करने में ये कब चार्ज होगा, ये कब चार्ज होगा, डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। पहले आपको नेचर ऑफ सप्लाई ढूंढनी पड़ेगी। नेचर ऑफ सप्लाई का मतलब इज इट इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, है ना, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए नेचर ऑफ सप्लाई में गुड्स की नेचर अलग है और सर्विस की नेचर अलग है, तो नेचर ऑफ सप्लाई को ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आ रहे हैं ध्यान रखना, ये जो एक्ट आज पढ़ रहे हैं, सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 13 तक, आज और अगली वाली क्लास में जो आएंगे ये सेक्शन 13 तक। अभी सेक्शन 7 आप पढ़ के आए हो, पढ़ के आए ना सेक्शन 7 पहले भी पिछली क्लास में भी, वो क्या था सेक्शन 7, और फिर हम सेक्शन 7 दोबारा पढ़ रहे हैं, ये क्या कहानी है? ऑनलाइन वाले बच्चों और वो जो सेक्शन 7 पढ़ के आए थे अभी पिछली क्लास में, वो क्या था? वो बताता था सप्लाई क्या है, है ना, हाँ, और ये क्या बताता है? ये बता रहा है नेचर। लेकिन दोनों सेक्शन 7 ऐसे कैसे हो सकता है? एक सेक्शन में दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सेक्शन 7 है आईजीएसटी एक्ट का, वो सेक्शन 7 था किसका? सीजीएसटी एक्ट का, ये फर्क है ना। तो वो सेक्शन 7 जो हम पढ़ गए थे लास्ट क्लास में सीजीएसटी एक्ट का था, सेक्शन 16 जो पढ़ गए थे सीजीएसटी एक्ट का था, सेक्शन 17 पढ़ गए थे सीजीएसटी एक्ट का था, सेक्शन 22 पढ़ गए थे सीजीएसटी एक्ट था, 24 पढ़ गए थे सीजीएसटी एक्ट था, आज है ये आईजीएसटी एक्ट का। आईजीएसटी एक्ट का 7 बताता है कि आपको कब कैसे टैक्स चार्ज करना है, गुड्स के बारे में क्या केस होगा, सर्विस के बारे में क्या सिचुएशन होगी। सर्विस में क्योंकि डिटर्मिनेशन थोड़ी दिक्कत होती है, गुड्स में तो पता होता है कि गुड्स कहाँ जा रही है, सर्विस में डिटर्मिनेशन प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन दिक्कत होती है, वो वॉलेटाइल है ना, किसी को आप उसकी कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता तो आप उसे कैच करना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए अलग से रूल हैं। आपको आज हम अगर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई इज इट, मतलब जो नेचर ऑफ सप्लाई है अगर वो इंटर स्टेट है, नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट है, टैक्स ये लगेगा, नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो ये वाला टैक्स लगेगा। ये टैक्स लगता है इंट्रा स्टेट के केस में, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जब भी होगी, और ये वाला टैक्स कब लगता है? ऑनलाइन वाले बच्चे चुप क्यों हो जा रहे हैं? तो अगर सीजी, अगर सप्लाई डिसाइड हो गई कि वो इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी, मतलब अगर यूनियन टेरिटरी में सप्लाई बिका होगा तो यूटीजीएसटी हो जाएगा। अगर सप्लाई ये डिसाइड हो गया कि सप्लाई इंटर स्टेट है, आपकी स्टेट से बाहर चली गया सामान, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। तो नेचर पता लगेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा ना। पहले हम नेचर कहाँ है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सेक्शन सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, वहाँ पर कहाँ पर हैं सारी, क्या हैं नेचर हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है ना, गुड्स से अलग है, सर्विस से अलग है। जब गुड्स और सर्विस के सेलर और बायर कहाँ पर हैं उसकी से नेचर अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग सिचुएशन है। आपको सब देखो, जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जीएसटी क्या होता है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अगर मान लीजिए ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस आईजीएसटी के अंदर भी ये इनबिल्ट इनहेरेंट फीचर है कि यहाँ पे सेंट्रल का पार्ट भी है और स्टेट का पार्ट भी है आईजीएसटी के अंदर भी। तो ये स्टेट डिटरमाइन कैसे होगी जब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई पता लगेगा, ये कैसे डिसाइड होगी प्लेस ऑफ सप्लाई लगेगा, ये तो मज़े ले रहे हैं है ना, सेंट्रल वाले तो मज़े ले रहे हैं, तो दोनों दोनों में ही हैं, इनको तो दोनों केस में मिलना ही मिलना है, इनको कोई तकलीफ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, स्टेट को प्रॉब्लम है कि किसी स्टेट का रेवेन्यू का नुकसान ना हो जाए, और अगर स्टेट का रेवेन्यू का नुकसान होगा तो क्या सेंट्रल को कोई नुकसान है?
अगर किसी स्टेट का रेवेन्यू कम पड़ेगा तो सेंट्रल को कोई नुकसान हो सकता था? हो सकता था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए कंपनसेशन सेस लगाया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था अगर आपका टैक्स का कलेक्शन कम होगा तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। हो सकता था, हो सकता है नहीं, अब नहीं होगा, लेकिन हो सकता था। तो इसलिए जब एक्ट बना तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी बनाया उन्होंने, ताकि सही से टैक्स लगा सको आप। अगर कंपनसेशन सेस जैसा कंसेप्ट नहीं होता तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल इतने स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, इतनी डिटेल में चीज़ें डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि जब एक्ट बनाया जाता है तो उसे हर तरह से फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जाती है। वो ठीक है, हर एक में फ्लॉज रह जाते हैं, क्योंकि एक्ट बनाने वाले भी लोग इंसान ही हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसको फॉलो करने वाले लोग भी इंसान हैं, कहीं ना कहीं फ्लॉ रह जाते हैं। लेकिन अगर एक्ट में कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं होगी तो कैसे चैलेंज करेगा कल को डिपार्टमेंट कि तुमने गलत टैक्स लगा दिया, सही टैक्स लगाया? तो इसलिए वहाँ तो गाइडलाइंस देनी पड़ेगी, वहाँ एक सेक्शन देने पड़ेंगे, रूल देना पड़ेगा आपको। वो गवर्नमेंट बना के देती है, एक्ट बनाने वाले बनाते हैं सारी चीज़ों को, प्रोविजन ध्यान रखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले नेचर पता लगानी पड़ेगी। सेक्शन 7 कैसे कहता है, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 डील ऑफ IGST एक्ट 2017 डील्स विद सप्लाई ऑफ गुड्स ओनली। दूसरा वाला है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सबसेक्शन 2 वाला। सबसेक्शन 3 कहता है सप्लाई ऑफ सर्विस, सबसेक्शन 4 कहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, है ना। तो ध्यान रखना है हमको, एक एक करके बिल्कुल आराम आराम से चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक के जगह 2 क्लास लग जाएंगे, कोई आफत नहीं आ रही, बस चीज़ प्रोविजन समझ आने चाहिए हमें। अगर प्रोविजन समझ नहीं आए तो दिक्कत है। अगर मान लो वेन बोथ आर इन टू डिफरेंट बो स्टेट, बोथ का मतलब बायर और सप्लायर, खरीदने वाला भी बेचने वाला भी, दोनों अलग स्टेट में, तो कैसी सप्लाई है वो? इंटर स्टेट सप्लाई। जब बायर, अभी गुड्स की बात हो रही है, सर्विस की बात नहीं हो रही है। जब बायर और सप्लायर, खरीदने वाला और बेचने वाला, दोनों अलग अलग स्टेट में है तो भी इंटर स्टेट सप्लाई है, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है तो भी अलग है, एक स्टेट में एक यूटी में है तो भी क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई है। सब्जेक्ट टू द कंडीशन प्रिवेल इन सेक्शन 10 ऑफ द IGST एक्ट। सेक्शन 10 में ये चीज़ वहाँ पे वो बताता है, ये नेचर था, वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करा देगा, है ना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर कि इंटर होगी या इंट्रा होगी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो वहाँ से डिसाइड होगा, उसके बाद ज़्यादा पता लगेगा कि वो इंटर है या इंट्रा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन एक्चुअल में है सेक्शन 10 में। सेक्शन 7 से तो हम ये देख रहे हैं कि नेचर क्या है, इंटर कब बनेगा, कब इंटर बनेगा और कब इंट्रा बनेगा, हम सेक्शन 7 से अब ये सीख रहे केवल। तो अगर बायर और सेलर दोनों के दोनों डिफरेंट स्टेट में तो इंटर स्टेट गुड्स की बात हो रही है, अगर बायर और सेलर एक स्टेट में एक दूसरा यूनियन टेरिटरी में तो इंटर स्टेट, बायर और सेलर दोनों के दोनों डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में है तो भी इंटर स्टेट सप्लाई है। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जब आप सामान खरीद इम्पोर्ट कर रहे हो, अब यानी कि एक आदमी तो कहीं इंडिया से बाहर है, है ना। जब आप इम्पोर्ट करोगे तो आपका सेलर कहाँ पर है? जब आप इम्पोर्ट करते हो तो सेलर कहाँ होगा आपका, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया होगा। सेलर की बात हो रही है ना, बायर की बात नहीं हो रही। आप जब बाय करोगे, इम्पोर्ट करते हो गुड्स को, तो सेलर आपका आइदर ही इज इन आउटसाइड इंडिया और ही इज इन SEZ। ध्यान रखना, SEZ वाला भी वही होते हैं। तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया आर ऑल्सो ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई अप टू क्लियरेंस फ्रॉम द कस्टम फ्रंटियर इन इंडिया ट्रांजेक्शन सेल बी ट्रीटेड इंटरस्टेट सप्लाई। यानी कि जब आप इंडिया से बाहर से सामान खरीद के लाते हो, जब वो कस्टम से क्लियर होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी के ऊपर रिवर्स चार्ज में IGST लगाना पड़ता है, वो इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाती है हमेशा, इसलिए उसके ऊपर IGST लगता है। जब आप कस्टम से माल क्लियर कराओगे, अपने गुड्स को क्लियर कराओगे, तो कस्टम ड्यूटी के ऊपर, सामान की वैल्यू पर नहीं, कस्टम ड्यूटी के ऊपर IGST लगता है। तो जो IGST लगेगा कब लगेगा? जब वो सप्लाई इंटरस्टेट हो जाएगी। क्यों इंटरस्टेट हो रही है पता है? कि आपका सेलर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ है। भाई आप अगर UK से, US से, कनाडा से कहीं से सामान खरीदते हो तो वहाँ पर इंडिया का GST लगता है क्या? नहीं, वहाँ तो इंडिया का GST लगता नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, वो आपका सेलर जो है नॉन GST टेरिटरी में बैठा है, सामान कहाँ आया? इंडिया में। तो RCM के बेस पे आपको IGST जमा करना पड़ेगा। इट इज़ कॉल्ड ऑलवेज अ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है
और आप जब कस्टम से क्लियर कराते हो, जब आप कस्टम से क्लियर करा के, मान लीजिए आपने यूएस से सामान मंगाया और चेन्नई पोर्ट पे आ गया, जब आप चेन्नई पोर्ट पे क्लियर करा रहे हो तो वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन टैक्स दोगे वो कौन सा टैक्स है? IGST। चेन्नई पोर्ट से क्लियर करा के आप सामान अब दिल्ली में ले आए, आप दिल्ली में ही बेच रहे हो, अब कौन सा लगेगा? दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार फिर से सुनते हैं ना। आपने कस्टम पोर्ट से सामान छुड़ाया चेन्नई में, चेन्नई में जब कस्टम पोर्ट से सामान छुड़ाया तो कस्टम ड्यूटी के ऊपर RCM में आपने IGST भर दिया, उस सामान को लोड करवाया और दिल्ली ले आए, अब दिल्ली में उस सामान को बेच रहे हो तो अब कौन सा टैक्स लगेगा? अब कौन सी ट्रांजेक्शन है वो? इंट्रा और इंटर। हेलो, अब कौन सी ट्रांजेक्शन है वो? अगर आपने दिल्ली में सामान ला के अब दिल्ली में बेच रहे हो तो इंटर कैसे होगा? इंट्रा होगा ना। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट। अब दिल्ली में सामान ले आए, चेन्नई से सामान लेके दिल्ली में आ गए, अब दिल्ली में बेच रहे हो तो वो इंट्रा स्टेट है। इंटर स्टेट का मतलब इन टू डिफरेंट स्टेट, जब बायर और सेलर अलग चले जाएंगे तो वो इंट्रा स्टेट होगा, इंटर स्टेट होगा सॉरी। अगर आप उसी स्टेट में बायर भी है, उसी स्टेट में सेलर भी है, सेलर ऑफ गुड्स, तो वो इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट कहलाता है, अगर दोनों सेम स्टेट में है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो सर, आपने बताया था जैसे वो पोर्ट पर रुका चेन्नई के, हाँ चेन्नई से वो दिल्ली आया था ना, हाँ तो फिर सर वो तो स्टेट अलग हो गए, चेन्नई अलग। भाई मेरी बात सुनो, अब दिल्ली में सी पोर्ट ही नहीं, मैं कैसे लेके आऊँ? सी पोर्ट तो चेन्नई में है ना या महाराष्ट्र में, सी पोर्ट तो दिल्ली में है नहीं ना। अगर कोई सामान मेरा बाई सी आ रहा है तो मुझे चेन्नई सी पोर्ट से क्लियर कराना पड़ेगा। जब मैं चेन्नई सी पोर्ट से क्लियर करा रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने कस्टम ड्यूटी दी, कस्टम ड्यूटी दी तो कस्टम ड्यूटी के ऊपर IGST लग गया, है ना। एक एक करके चलते हैं अंबिका, है ना। कस्टम ड्यूटी पे मैंने IGST पे कर दिया, अब सामान मेरे कब्जे में है, उस सामान को मैंने बाय ट्रांसपोर्ट बाय रोड चेन्नई से दिल्ली ले आया, अब मेरी दुकान तो दिल्ली में है ना, मैं तो सामान को दिल्ली में बेच रहा हूँ, अब मैं सामान दिल्ली में ले आया, अब मेरी दुकान में रखा है सामान और मैं दिल्ली में कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो दिल्ली में जो कस्टमर को सामान बेच रहा हूँ उनसे क्या चार्ज करूँगा? इंट्रा होगा ना, उनसे तो CGST SGST चार्ज करूँगा मैं, क्योंकि देखो मैं चेन्नई से माल रिलीज करवा के कस्टम फ्रंटियर से कस्टम ड्यूटी पे करके जो उनके चार्जेस थे वो पे कर दिए, जब कस्टम ड्यूटी पे होती है उसी पे IGST लगता है, क्योंकि अप टू द क्लियरेंस ऑफ कस्टम फ्रंटियर लिखा हुआ वहाँ पे, कस्टम फ्रंटियर से क्लियर होने तक का जो ट्रांजेक्शन है, वहाँ से आके कस्टम फ्रंटियर तक, कस्टम पोर्ट तक क्लियर कराने तक की जो ट्रांजेक्शन है वो IGST है। उसके बाद की ट्रांजेक्शन तो वहाँ बताएगी ना कहाँ पे की आपने, जब आप सामान क्लियर इंपोर्ट करके लाए हो कस्टम से क्लियर कराने तक की बात है। RTD इंटरस्टेट सप्लाई अप टू द क्लियरेंस है ना, जब तक आप कस्टम से क्लियरेंस करा रहे हो तब तक वो IGST है, इंटरस्टेट सप्लाई है। आप उसके बाद ला के किस स्टेट में ले जा रहे हो, किस स्टेट में बेचोगे, तो वो CGST SGST वहाँ दोबारा डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों? अब आप सब्सिक्वेंट सेल कर रहे हो, पहले आपने परचेज करा फिर आप सब्सिक्वेंट सेल कर रहे हो, यानी कि जब भी इंपोर्ट होता होगा तो जिस पोर्ट से आता है, गुजरात पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट में आए, चेन्नई के पोर्ट में आए, है ना, या मुंबई के नवा सेवा पोर्ट में आए, तो जहाँ पे भी पोर्ट में आएगा उस स्टेट को फ़ायदा होता है। जितनी स्टेट में इंपोर्ट में सी पोर्ट बने हुए हैं उन स्टेटों को रेवेन्यू फालतू मिलता है, है ना, क्योंकि हर आदमी जब इंपोर्ट करा रहा है, अगर वो बाई सी इंपोर्ट हो रहा है सामान, तो कस्टम क्लियरेंस कराने के लिए तो उसी स्टेट से कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ना, तो वहीं पे IGST मिल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से के साथ साथ उस स्टेट का हिस्सा भी मिलेगा जहाँ जहाँ सी पोर्ट है। तो कस्टम फ्रंटियर से या बाई एयर आ रहा है, जिस बाई एयर आएगा तो जिस एयरपोर्ट पे वो लैंड होगा सामान, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो जिस जहाँ जहाँ एयरपोर्ट हैं वहाँ जहाँ जहाँ कस्टम फ्रंट पोर्ट बने, कस्टम सेंटर बने, कस्टम क्लियरेंस सेंटर बने हुए हैं, तो उन स्टेटों को रेवेन्यू मिलता है ना। उसके बाद उस सामान को ले जाकर ऑल ओवर इंडिया में आप जहाँ जहाँ जब जब बेचोगे वो टैक्स दोबारा लोगे। अभी आप कौन सा टैक्स पे करके आए हो? जो खरीदने पे IGST पे करके आए हो ना, अभी तो आप खरीदने पे GST पे करके आ रहे हो। आप उस सामान को ला के आप बेचोगे दोबारा, जब बेचोगे तो टैक्स अलग लगेगा, तभी दोबारा टैक्स कलेक्ट करोगे। हैंस GST ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज चार्ज ओवर एंड अबव द एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी। अब Section 7, Subsection 3 इम्पोर्ट सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन सर्विस, द फॉलोइंग इवेंट्स आर इंटर स्टेट सर्विसेज। अब कौन कौन सी? इफ सप्लायर ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, मान लीजिए जैसे नीरज आप कौन सी स्टेट में हो? नीरज आप नागपुर हो ना, महाराष्ट्र में हो ना, हाँ महाराष्ट्र में हो, तो जैसे नीरज महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं तो सप्लायर की लोकेशन क्या है? NIFM की लोकेशन दिल्ली, और प्लेस ऑफ और रेसिपिएंट की लोकेशन कहाँ है?
महाराष्ट्र, तो ये कैसी सप्लाई है? ये इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई है ना, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। लेकिन जैसे अंबिका भी ऑनलाइन बैठी है, अंबिका दिल्ली में है, NIFM भी दिल्ली में है, ये कैसी सप्लाई है? इंटर स्टेट सप्लाई है ना। केवल ऐसा नहीं है कि कोई रिमोट में बैठ के सर्विस ले रहा है तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, नहीं, आपको देखना पड़ेगा रेसिपिएंट और उसकी बायर की, सप्लायर और रेसिपिएंट की लोकेशन क्या है। इफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू, वही सेम है, टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनिटरी, और टू इन, वन इन स्टेट, वन इन यूनियन टेरिटरी, यानी कि जब भी दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे, सप्लायर और रेसिपिएंट, सर्विस के बारे में वही रूल है जो गुड्स के बारे में, ये वही रूल है। अगर सप्लायर और बायर रेसिपिएंट सर्विस का दोनों अलग अलग स्टेट में है, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी में, एक स्टेट में एक यूनियन टेरिटरी में, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 भी क्या कहता है, वो सप्लाई क्या कहलाई जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्लियर है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया शैल बी कंसीडर्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और कॉमर्स, था हुआ ना, तो वो कौन बिजनेस हट गया होगा, कोई बात नहीं। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, सर्विस इंपोर्ट करने का मतलब मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चलता है जो इंटरनेशनली वैलिड है ना, आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो अब आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आई, अब इंजीनियर क्या करेगा, ऑनलाइन आपके सिस्टम को एक्सेस करेगा, सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेगा, अगर वो इंडिया से बाहर है ना, आपके सिस्टम को एक्सेस करेगा, सॉफ्टवेयर में जो बग्स हैं उन्हें ठीक कर देगा, आपसे क्या लेगा, चार्जेस लेगा। तो अब आप तो कहाँ बैठे हो, इंडिया में, आपका सर्विस प्रोवाइडर कहाँ बैठा है, आउटसाइड द इंडिया। इज इट अ केस ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, यस और नॉट? तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो क्या कहलाएगा वो, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है तो क्या कहलाएगा वो, इंटर स्टेट सप्लाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 5, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ। अब की बार क्या आ रहा है, पहले हम अलग अलग कर रहे थे, और ये कब है, जब फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो इंटर स्टेट सप्लाई वे आर रिलेटेड टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ When the supply is made from India to a place outside India, अब क्या करा आपने, आपने गुड्स या सर्विस कोई भी थी, अब की बार सप्लाई कहाँ कर दी, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, दो इट इज़ अ जीरो रेटेड, आउटसाइड इंडिया का मतलब एक्सपोर्ट कर दी, दो इट इज़ अ जीरो, लेकिन कहलाएगी क्या वो भी, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। वेयर सप्लाई टू और by SEZ developer or SEZ unit, यानी कि आपने SEZ developer और SEZ unit को supply करी या उससे ले लिया, उसे बेच दिया या खरीद लिया, तब भी क्या होगा, इंटरस्टेट। मैं दिल्ली में हूँ, मान लीजिए मैं नोएडा में हूँ, यूपी में है ना, और यूपी के किसी एक हिस्से को सरकार ने SEZ घोषित कर रखा है, मैं यूपी में रहते हुए, मैं एज ए यूपी में नॉर्मल प्लेस में, मान लीजिए नोएडा में कहीं पर मेरा रजिस्टर्ड प्लेस है यूपी में, और एक SEZ है यूपी में, दोनों कहाँ पर हैं अभी, यूपी में, इस नोएडा वाले ने इसको कुछ सामान बेच दिया, सेल कर दिया, तो ये कैसी सप्लाई है, दोनों लोग यूपी में, कैसी सप्लाई, ये इंटरस्टेट सप्लाई है। SEZ अभी मैंने आपको बोला फॉर ऑल पर्पजेज इन द GST, SEZ इज अ नॉन GST टेरिटरी, SEZ जो है नॉन GST टेरिटरी है। अभी जब हमने, याद करो, शुरू में सामान इंपोर्ट करा था नॉन GST टेरिटरी से, तो करा था उसको इंडिया में आके कस्टम पे छुड़वाया तो IGST तो दिया। अब अगर आप SEZ, ये देखो ये एक SEZ है यूपी में, दूसरी SEZ है अगेन इन यूपी, ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, सर्विस खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स सर्विस खरीद बेच रहे हैं, तो ये कैसी ट्रांजैक्शन इनके बीच में आपस में होने वाली, इंटरस्टेट। SEZ के साथ जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे फॉर द GST पर्पज, इट इज ऑलवेज अ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है ना, बिकॉज दिस इज अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ये GST, जब भी आप नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ट्रांजेक्शन करोगे तो वो हमेशा इंटर स्टेट कहलाती है, इंटर स्टेट, क्योंकि उसकी कोई भी स्टेट नहीं है ना,
तो उसकी स्पेसिफिक कोई स्टेट नहीं है, एस सी जेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। एस सी जेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो गवर्नमेंट ने अलग से नोटिफाई करें कि अगर वहाँ ले जाके आप इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करोगे, हम आपको टैक्स हेवन देंगे, टैक्स में बेनिफिट देंगे, जीएसटी में बेनिफिट देंगे, मतलब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों से बेनिफिट देंगे, ताकि आपकी कॉस्ट कम हो सके और आप उस एरिया को डेवलप कर पाओगे, है ना। जब आप कहीं की इंडस्ट्री चली जाती है तो वहाँ मैन पावर जाती है, मैन पावर जाती है तो उसे सामान भी चाहिए, खाने पीने का सामान भी चाहिए, कपड़े पहनने भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वहाँ धीरे धीरे अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाता है। कुछ साल बाद एस सी जेड का बेनिफिट हटा लेती है सरकार, उसके बाद जब वो लोकेशन डेवलप हो गई तो अब फिर एस सी जेड किस बात की, अब तो नॉर्मल हो जाएगी, तो उसके बाद वो एस सी जेड का स्टेटस हटा लेती है उसका। तो लेकिन जब तक वो एस सी जेड में है तो एस सी जेड के साथ, एस सी जेड के साथ और एस सी जेड से अगर ये इधर भेजेगा तो भी एक्सपोर्ट है ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, इंटर स्टेट सप्लाई है, बेसिक दोनों सेम स्टेट में है बट ये इंटर स्टेट है। लेकिन अगर ये नॉर्मल सब है, ये नॉर्मल जगह में है, एस सी जेड नहीं है, अदर देन एस सी जेड है यूपी में, और ये भी नॉर्मल है अदर देन एस सी जेड वाले हैं यूपी में, अब ये इधर सामान भेजें या इधर सामान भेजें, कैसी ट्रांजेक्शन है ये इंटर स्टेट है, और ये दोनों कैसी थी, इंटर स्टेट है ना, ये दोनों इंटर स्टेट हैं, इनमें अगर ट्रांजेक्शन आएगा, वैसे तो जीएसटी आएगा नहीं, आएगा तो आईजीएसटी आएगा, ये कैसी है इंट्रा स्टेट। यहाँ तक सेक्शन 7 क्लियर हो गया? यस सर। ये था नेचर आइडेंटिफाई करने का तरीका, है ना। अभी हमने क्या आइडेंटिफाई करा, नेचर आइडेंटिफाई करा है। अब हम चलते हैं कि आगे क्या, मतलब एक्चुअल में ट्रांजेक्शन कैसे होगी।